धर्म ने युधिष्ठिर से पूछा, इस दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, लोग सोचते हैं कि वो कभी नहीं मरेंगे, लेकिन हर पल उन्हें मरने का एहसास होता है। यही दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा है। बहुत सारे लोगों ने साइंटिफिकली या रिलीजियसली डेथ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लेकिन कभी भी नतीजे पे नहीं पहुंच पाए हैं। इस बात को ध्यान से समझो कि हमारे माइंड कभी भी मरने की असली एहसास नहीं ले सकता है, क्योंकि ये तभी पॉसिबल है जब वो खुद मरेंगे। हमारे जीवन का एक और अद्भुत पहलू स्वतंत्रता का विचार है। ये भावना हमारे हर कार्य, हमारे चलने और दूसरों के साथ बातचीत करने के तरीके को नियंत्रित करती है। ये मानव जीवन की नींव की तरह है। लेकिन यहाँ समस्या है, यदि सब कुछ लगातार बदल रहा है तो फिर वास्तव में स्वतंत्र क्या है? हमारा शरीर और मन स्पष्ट रूप से स्वतंत्र नहीं है, वे भी हर चीज की तरह बदलते हैं। इसके परे कुछ है जिसे आत्मान कहा जाता है, सच्चा स्व। ये स्थायी और स्वतंत्र है, और इसकी स्वतंत्रता हर चीज के माध्यम से चमकती है, यहाँ तक कि अज्ञानता के सामने भी। यह आत्मान ही हमारा वास्तविक, निडर, अमर और स्वतंत्र अंश है। आत्मा के पुनर्जन्म लेने के विचार को लेकर बहुत से लोग जिज्ञासावश हैं। कुछ को ये डरावना लगता है, जबकि कुछ लोगों को आशा मिलती है कि वे इस जीवन की गलतियों को सुधारते हुए अपना जीवन फिर से शुरू कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में ये गहन चिंतन का विषय है। गहराई से सोचें, अगर हमें भविष्य में हमेशा रहना है तो हमें अतीत में भी हमेशा रहना चाहिए था। तो विवाद यह आता है कि हम अपने पिछले जीवन को क्यों नहीं याद करते? इसका कारण वही है जैसा कि हम खुद को शिशु होने के बारे में याद नहीं रखते। जैसे हमारा मस्तिष्क समय के साथ बदलता है, वैसे ही हम उन्हें याद नहीं रख सकते। वास्तव में पुनर्जन्मों के दौरान हमारी आत्मा, आत्मान, विभिन्न मानसिक तलों से होकर गुजरती है, जहां वे हमारे आसपास की दुनिया के बारे में विभिन्न दृष्टिकोणों का अनुभव करती है। पुनर्जन्म का एक और पहलू ये मानव आत्मा को सशक्त बनाता है। बाहरी शक्तियों को दोष देने के विपरीत ये सिद्धांत व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर बल देता है। हम अक्सर दूसरों, भाग्य या भगवान को दोष देते हुए अपनी गलतियों को पहचानने में विफल रहते हैं, लेकिन हम अपना भाग्य खुद तय करते हैं। जैसे बिना पाल के जहाज हवा को नहीं पकड़ते, वैसे ही हम अपने कार्यों के माध्यम से अपना भाग्य निर्धारित करते हैं। भगवान की कृपा निरंतर और निष्पक्ष है, हमारी परिस्थितियाँ इस बात पर निर्भर करती हैं कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। अपने दुख के लिए न तो मनुष्य को न ही भगवान को दोष दे, जिम्मेदारी लें और सुधार के लिए प्रयास करें। दूसरों को दोष देने से हम और कमजोर होते हैं, इसलिए अपनी गलतियों को स्वीकार करें और पूरी जिम्मेदारी लें। ये समझें कि आप अपना भाग्य खुद बनाते हैं। आपको जितनी भी शक्ति की आवश्यकता है वो आपके भीतर ही है। अतीत पर ध्यान देने के बजाय अपने भविष्य को आकार देने पर ध्यान दें। हर शब्द, विचार और कार्य जमा होता है, या तो खतरे के रूप में या ढाल के रूप में। बुद्धिमानी से चुनें।